हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्टडी 24 ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी से ये एक न्यूज़ आ रही है। हम देख सकते हैं मानव भारती बीवी की फर्जी डिग्री मामले की जांच में जुटी हिमाचल प्रदेश पुलिस और सीआईडी की संयुक्त एसआईटी की जांच में अब तक 45,000 फर्जी डिग्रियां बेचने की बात सामने आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक फर्जी डिग्रियों की संख्या लाखों में है। यह भी खुलासा हुआ है कि प्रबंधन व तकनीकी विषयों में जुड़ी डिग्रियों को 1 लाख में 2.5 लाख रुपये तक में बेचा गया है। जांच में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हाथ लगे हैं, उनमें इन डिग्रियों के बेचे जाने से संबंधित जरूरी जानकारी मिली है। जम्मू से गिरफ्तार एजेंट मनु जम्बाल ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। अब दूसरे राज्यों में एजेंटों की तलाश तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रबंध विभिन्न राज्यों में फैले एजेंटों के नेटवर्क की मदद से डिग्रियों का सौदा करते थे। डिग्री खरीद कर लाने वाले एजेंटों को मोटा कमीशन मिलता था। सूत्रों के अनुसार मनु से अब तक हुई पूछताछ में पता चला है कि विश्वविद्यालय में जिस रेट पर जो डिग्री मिलनी होती थी से कुछ ज्यादा रुपए में वह सौदा होता था। तो इस तरह से आज की इस अपडेट में हमने देखा है कि हिमाचल प्रदेश से ये न्यूज आ रही है। निजी विश्वविद्यालय ने बेच दी 45,000 फर्जी डिग्रियां। और ऐसे ही किसी भी तरह से एजुकेशनल न्यूज़ या फिर कोई भी अपडेट जब भी आती है या फिर कोई भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए हमारे स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।